दोस्तों, क्या आपके पास में भी 50 पैसे के ऐसे सिक्के पड़े हुए हैं और आप इनको सेल करने के बारे में सोच रहे हैं? तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और एंड तक देखें। इनमें जो रेयर सिक्के हैं उनकी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। और अगर आपके पास में ऐसे सिक्के हैं और आप सेल करना चाहते हैं तो वो भी बताऊंगा कि आप इन सिक्कों को कहाँ पे सेल कर सकते हैं, कितनी वैल्यू मिलेगी, कौन सी कंडीशन का सिक्का रेयर होता है और कौन सी ईयर का सिक्का रेयर है, कौन सा वो मिंट मार्क है जिसकी वजह से आपको उस सिक्के की एक अच्छी खासी वैल्यू मिल सकती है। तो अगर आप लोगों के पास में ऐसे स्टेनलेस स्टील वाले 50 पैसे के बहुत सारे सिक्के हैं तो हो सकता है कि वो रेयर सिक्के आपके सिक्कों में भी अवेलेबल हो सकता है, लेकिन उसकी सही जानकारी आपको होगी तभी आप उस सिक्के को निकाल पाएंगे। तो चलो जानते हैं 50 पैसे के इन सिक्कों में आने वाली उस रेयर वेराइटी के बारे में। लेकिन गाइज, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लेना। 50 पैसे के इन सिक्कों को 1988 से लेकर 2007 तक भारत के अलग अलग मिंटों में जारी किया गया था। तो अगर आप लोगों के पास में ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं तो आसानी से इन सिक्कों को आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को एंड तक देखेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेयर सिक्का कौन सा है और क्यों है। 2007 आपको लास्ट टाइम जो सिक्के जारी किए गए थे वो थी ईयर 2007। जो सिक्का आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये नोएडा मिंट का सिक्का है 2007 का, लेकिन जो रेयर सिक्के हैं वो 2007 के नहीं है। तो सबसे पहले हमें इस सिक्के की फिजिकली डिटेल के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि वो एक वो पहचान होती है जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आखिर ये सिक्का कब बना, कैसे बना, कौन से मेटल में बना, वो सारी चीजें आपको इससे समझ में आ जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया 1988 से 2007 तक इन सिक्कों को जारी किया गया था फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में। सिक्कों का जो वेट होता है वो होता है 3.799 ग्राम, और जो इनका डायमीटर का साइज है वो है 22 mm, थिकनेस है 1.45 mm, शेप सिक्कों का राउंड है जो आप देख सकते हैं। 50 पैसे के इस सिक्के को रिवर्स भाग से देखने से बीच में आपको भारत का नक्शा देखने को मिलता है और उसके ऊपर बना हुआ है पार्लियामेंट का चित्र, और उसके नीचे आपको ईयर देखने को मिलता है 2007 जो कि इस सिक्के का ईयर है, और उसके नीचे डॉट का मिंट मार्क बना हुआ, मतलब ये नोएडा मिंट का सिक्का है। ऊपर में भारत इंडिया हिंदी इंग्लिश में अंकित है। और इस सिक्के को पलटी करके देखते हैं ओवर भाग से तो बीच में ऊपर की साइड में अशोक स्तंभ बना हुआ है और उसके नीचे सत्यमेव जयते और नीचे डिनोमिनेशन 50 लिखा हुआ है, और एक साइड भारत पैसे हिंदी में, दूसरी साइड इंडिया पैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये तो हो जाती है इस सिक्के की पूरी फिजिकली डिटेल। अब बात कर लेते हैं उस रेयर सिक्के के बारे में, कौन सी ईयर का सिक्का रेयर है। तो जो रेयर सिक्के हैं वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे ही दिखा देता हूं। तो ये हैं वो दो रेयर सिक्के जो अलग अलग मिंटों से जारी किए गए हैं, एक ही ईयर में जारी किए गए 1993 के सिक्के। 50 पैसे के 1993 के सिक्के हैं वो रेयर की कैटेगरी में आते हैं। वैसे तो ये सिक्के भारत के 4 मिंटों में जारी किए जाते हैं 1993 में, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, लेकिन इसमें जो रेयर सिक्का है वो है मुंबई और हैदराबाद मिंट के सिक्के। 1993 के नीचे आपको स्टार का मिंट मार्क देखने को मिलता है, तो यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको दे सकता है 1200 रुपए तक। और अगर ये सिक्का आपके पास में एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का होता है तब आपको दे सकता है 500 रुपए तक। तो आप सोच सकते हैं कि इन सिक्कों की जो कीमत है वो एक अच्छी खासी वैल्यू है, और फाइन कंडीशन का सिक्का भी आपको 200 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है। स्टार मिंट मार्क, यहाँ पे आपको डायमंड मिंट मार्क देखने को मिलता है 1993 के नीचे, तब भी वो सिक्का भी रेयर की कैटेगरी में आता है। और बात करें अगर कीमत की तो मुंबई मिंट का सिक्का भी आपको 1000 से लेकर 1500 रुपए के बीच में दे सकता है यूएनसी कंडीशन में, और एक्स्ट्रा फाइन या फाइन कंडीशन में भी ये सिक्का आपको 200 रुपए से लेकर 600 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है। दोनों सिक्के आप स्क्रीन पे इस टाइम पे देख सकते हैं, 1993 के नीचे स्टार का मिंट मार्क, 1993 के नीचे डायमंड का मिंट मार्क, दोनों ही कलेक्टिबल सिक्के हैं। बाकी ये सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अगर ये दो 50 पैसे के अगर आपके पास में 1993 के सिक्के हैं तो एक वैल्यूएबल सिक्के हैं और इनकी एक अच्छी खासी वैल्यू मिल सकती है। अब अगर आपके पास में ये 50 पैसे के सिक्के होते हैं और आप इनको सेल करना चाहते हैं तो कहाँ सेल करेंगे, ये बड़ा सवाल उठता है, सभी लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है।
तो अगर आपके पास ऐसे 50 पैसे के सिक्के हैं जिनके अंदर आपको 1993 के नीचे स्टार मिंट मार्क या डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिलता है, तो वो रेयर सिक्के हैं। सेल करने के लिए आप किसी भी एग्जीबिशन को शेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इनको हमें भी सेल कर सकते हैं। सेल करने के लिए नंदूजाट RJ23 इंस्टाग्राम पे इन सिक्कों की फोटो भेज सकते हैं। ओनली याद रखने वाली चीज यहाँ पे ये है कि ईयर के नीचे दो ही मिंट मार्क होने चाहिए, 1993 के नीचे स्टार मिंट मार्क या फिर डायमंड का मिंट मार्क। दो मिंट मार्क के सिक्के ही रेयर आते हैं और यही सिक्के आप सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लेना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना।